बेटा इधर देखो आप सब लोग, वहां से दिखेगा नहीं गार्गी। हाँ कहाँ बैठे हैं? हाँ बैठो, हाँ पीछे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहीं आ जाओ, इसके पास आ जाओ। क्या नाम है इसका? प्रीति या कृति, क्या नाम है? इसके पास बैठो, पढ़ा जाए बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, ये क्लास टेंथ का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण और चैप्टर्स नहीं है, सब चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इधर देखो बेटा, आप सब लोग को पहले अच्छे से समझना है। ठीक है ना बेटा, थोड़ा स्पेलिंग चेक करते रहना बेटा, मेरा स्पेलिंग बहुत गलत होता है। हिंदी बेटा लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? थोड़ा बहुत त्रिभुज, क्या बेटा? बेटा ट्रायंगल पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है ना, त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो बेटा आप लोग, ठीक है ना, क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने सुना होगा कॉन्ग्रेंट। स्पेलिंग देख लो, सही है, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। बोलो भाई, फिगर्स की स्पेलिंग बात बताओ, बोलो क्या? एक एक चीज मैं और लिख रहा हूं यहां पे बेटा, सिमिलर फिगर। क्या बेटा? सिमिलर फिगर। क्या होगा, क्या होगा सिमिलर का? बोलो, सिमिलर, सिमिलर फिगर्स। बेटा देखो, इस ट्रायंगल बेटा चैप्टर पढ़ने के पहले आप सब लोगों को कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि आपके माइंड में पूरा सेट हो जाएगा कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होता है और सिमिलर फिगर्स क्या होता है। बेटा एक काम करता हूँ, बोलिए क्या? थोड़ा सा मैं इस कॉन्ग्रेंट फिगर्स का और सिमिलर फिगर का हिंदी भी लिखता हूँ। क्यों हिंदी लिखता हूँ? क्योंकि अगर मैं हिंदी आपको इसका बताऊँगा तो हिंदी बताते ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं क्या, उसके हिंदी नाम से ही आ जाएगा। हम लोगों को समझना है चीज़ों को, चाहे यार हिंदी में समझ लें चाहे इंग्लिश में समझ लें, पूरी कॉन्सेप्ट समझना है। हाँ ना बोलो यार। यस बेटा देखो, कॉन्ग्रेंट फिगर का देखो हिंदी होता है, हाँ, सर्वांगसम। क्या बेटा? सर्वांगसम आकृति, आकृतियां बोल सकता हूं, सर्वांगसम आकृतियां, अभी समझना। और सिमिलर फिगर का हिंदी होता समरूप आकृतियां। क्या होती है? समरूप आकृतियां। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अब बहुत स्लो स्लो ही पढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे समझा जाएगा, आराम आराम से समझा जाएगा। और बेटा आज केवल वे केवल हम लोग जानेंगे कि यार कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है, इसके बारे में खूब अच्छे से जान लेंगे। और कल जो है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, अगर कोई फिगर सिमिलर हो, ठीक है ना, तो उस पर कुछ बेस क्वेश्चंस देखेंगे कल, और आगे फिर कुछ थ्योरम्स देखेंगे। एक एक थ्योरम, एक एक जो प्रमेय है, थ्योरम का हिंदी होता है प्रमेय, जो प्रमेय है वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से मैं एक एक का डेरिवेशन करूंगा और समझाऊंगा, और उस पर बेस क्वेश्चन भी होगा, और क्वेश्चन मिक्स्ड होगा, कुछ एनसीईआरटी का होगा, कुछ किसी राइटर के बुक का होगा, कुछ किसी राइटर के बुक का होगा, तो बहुत मज़ा आने वाला। और चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए आप लोग को पेशेंस रखना होगा, कम से कम एक आध महीने तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर चैप्टर बड़ा है, बहुत लंबा पढ़ा दूँ, अच्छे से पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है, तैयार रहो बस आप लोग, ठीक है ना। कोर्स हमको कंप्लीट करना है, एंडी चोटी लगा देंगे। देखो बेटा सब लोग प्लीज देखना अच्छे से, देखो बेटा, देखो देखो बेटा, ये सर्वांगसम लिखा है ना, अगर बेटा इस सर्वांगसम, इस शब्द को अगर मैं तोड़ूं वैसे ही, तो देखो बेटा ये तीन पार्ट में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैं बांट रहा हूँ, तीन पार्ट में बांट रहा हूँ, अभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। देखो एक बेटा सर्व, ठीक है, प्लस अंग, ठीक है, और सम, सम माने मान लो मैं मान लिया समान। क्या बेटा? समान। सम मतलब समान, इक्वल, सेम। अरे बोलो भाई, ठीक है ना। और अगर समरूप को बेटा, ये समरूप जो वर्ड लिखा है, अगर इसको मैं तोड़ूं तो सम प्लस रूप। देखो बच्चों, अपने अपने पढ़ाने का तरीका है, मैं अपने तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
अभी जैसे ही ये पूरी की पूरी लेक्चर फिनिश होगा आपको समझ में 100% आ जाएगा और मन में बैठा दूंगा कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होता है और सिमिलर फिगर क्या होता है। बताओ कॉन्ग्रेंट की हिंदी क्या होती है, सिमिलर की हिंदी क्या होती है? ट्रायंगल चैप्टर आपको अच्छे से अगर पढ़ना है तो पहले इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा, ठीक है? और मैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा एक एक चीज़ें करके, तब तक बताऊंगा जब तक आपको समझ में आ नहीं जाएगा, ठीक है भैया? नींद आ रहा है क्या? बीच बीच में सो जाते हैं यार, और क्या? देखो इधर, देखो देखो बेटा, देखो सर्व माने सभी, अंग माने, अंग माने पार्ट्स, पार्ट्स वेरी गुड, अंग माने पार्ट्स से है, समान माने समान, माने जिसके आल पार्ट समान हो, सभी पार्ट समान हो वो सर्वांगसम है। हम कोई दो फिगर उठाएंगे, कोई दो चित्र उठाएंगे, अगर उन दोनों चित्रों का, उन दोनों चित्रों का सभी अंग जो है वो समान है तो इसका मतलब क्या है बताओ? सभी अंग समान होना चाहिए, बोलो, यानी ऑल पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। समरूप का मतलब क्या हो गया कि रूप चेहरा देखने में समान हो, चेहरा देखने में समान हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उनकी साइज भी समान हो, बोलो यार। जैसे बेटा देखो, आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैं यहां ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल यहां बनाया और एक ट्रायंगल यहां बनाया। बाबू देखो मान लीजिए ये है 5, ठीक है ना, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, और दूसरा वाला ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बच्चों आप बेसिक क्लास 10th में पढ़ रहे हो और ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन इतना तो आपको जरूर पता होगा कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? 9th में है यार ये सब। बताओ इक्विलेटरल क्या हुआ? क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या है बताओ? तो बताओ एक बात बताओ, अगर इस ट्रायंगल का नाम दे दूं, मान लो इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ए बी सी और इसका नाम दे दिया क्या, पी क्यू आर, तो आप हमको बताओ यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल देखने में एकदम समान लग रहा है कि नहीं समान लग रहा है? मतलब इनका शेप बताओ, शेप शेप बताओ समान है कि नहीं, और साइज भी? अगर बेटा मैं यहां 5 के स्थान पे मान लो मैं 2 2 2 लिख देता, 2 2 सेंटीमीटर कर देता, तो ये छोटा हो जाता यार ये। तो बताओ इनका शेप तो समान होता, क्योंकि ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, शेप तो समान होता, लेकिन क्या इनका साइज समान होता? तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं होते। कॉन्ग्रेंट में देखो दो कंडीशन है, कॉन्ग्रेंट में कितनी कंडीशन है बच्चों? देखो जैसे यहां पे मैं क्या लिखा था पहले बताओ, 5 5। चलो देखो अच्छे समझो, अगर मैं आप लोगों को नोट ना करने दूं तो चलेगा? अब देखो, अब बताओ बताओ इन दोनों, इन दोनों फिगर्स में आपने देखा होगा कि इनका शेप भी समान है, बोलो यार, और साइज भी समान है, तो ये हो गया बेटा सर्व अंग समान, यानी सभी पार्ट्स इसके क्या है बताओ? समान है। अरे बोलो। लेकिन इसमें देख लो, अगर मान लो मैं समरूप की बात करूं, समरूप की, ठीक है, तो एक ट्रायंगल में बड़ा सा बना दिया, एक ट्रायंगल में छोटा सा बना दिया, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, अरे भाई सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं, समझ लो सेंटीमीटर में है, बोलो, और इसको दे दिया बेटा आपका 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और, तो बेटा बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ? क्योंकि इसकी सभी साइड क्या है? सेम। आप बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ? इक्विलेटरल। तो बताओ ये दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? इनका जो शेप है, शेप वो समान है कि नहीं? लेकिन क्या साइज समान है? तो ये समरूप हो गए। क्या हो गए? समरूप। आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, अगर बेटा कॉन्ग्रेंट है तो उसके लिए दो कंडीशन होना जरूरी है। कितनी कंडीशन होना जरूरी है? देखो इनका कंडीशन फर्स्ट, देखो यहां लिख दूं, देखो आ रहा है वीडियो में यहां तक, देखो बेटा कंडीशन फर्स्ट देख लो, कंडीशन देख लो, कंडीशन पहला, अगर आपको कॉन्ग्रेंट चेक करना है तो पहला,
सेप जो है, सेप ठीक है ना, वो भी सेम होना चाहिए, सेम। और जो साइज है, साइज वो भी सेम होना चाहिए। अरे बोलो बेटा, सेप भी सेम होना चाहिए और ये कंडीशन किसका हो गया बताओ? फर्स्ट क्या मतलब, यही कंडीशन ही है ठीक है ना, ये कंडीशन है, ये शर्त है। सेप भी होना चाहिए सेम और साइज भी सेम होना चाहिए। बोलो अगर बेटा समरूप की बात करूं तो, अगर इसकी कंडीशन लिखूं, कंडीशन तो बेटा इसका जो सेप है, सेप वो बस सेम होना चाहिए, बात खत्म। साइज सेम हो भी सकता है और तो समझ में आ रहा बात? जैसे बेटा लोग, आप लोगों को मैं कुछ और एग्जांपल दे रहा हूं, देखो ये मेरा ये हाथ देखो ये, अरे बोलो यार, और मेरा ये हाथ देखो, बोलो ना। अगर इन दोनों, सुनो, अगर इन दोनों हाथों को मैं ऐसे एक दूसरे पे बराबर रखूं तो बताओ सेप और, इधर देखो, सेप और साइज दोनों आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे यार सेप देखो यार, सेप सेप समझते हो ना? ये में ये दिख रहा ना? पाम यार, पाम हाथ का पंजा, बताओ ये पंजा और ये पंजा देखो, इनका सेप और साइज देखो, सेप भी देखो और साइज भी देखो, सेम है ना? तो बताओ बेटा ये दोनों क्या कहलाएंगे बताओ? कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इनका सेप भी सेम है और समझ में आया कि नहीं आया? और मान लीजिए जैसे आप, अच्छी तुम आओ निकल के, कोई दिक्कत नहीं ना है ठीक है ना, चलो राइट हैंड निकालो, बगल में खड़ी हो, बगल में खड़ी हो हमारे ठीक है ना, राइट हैंड निकालो, इधर इनको राइट हैंड नहीं पता है जी ठीक है ना, इधर देखो राइट हैंड निकालो ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, हाथ हाथ मेरे पास लाओ, हाथ मेरे पास लाओ, हाँ ये देखो देखो इसमें देखते हो कि सेप सेम है। अब ऐसा ना ना कि एटू मनुष्य के पंजा नजर आओ, एटू बंदर के पंजा, अरे बोलो यार सेप क्या है बताओ? लेकिन साइज बताओ? तो बेटा ये क्या हो गया बताओ? बात समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड, जाओ बैठो। अरे बोलो ना, समझ में आ गया होगा यार। बेटा कॉन्ग्रेंट होने के लिए, कॉन्ग्रेंट होने के लिए ठीक है ना, सेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, इसीलिए लिखा सर्व अंग समान, सभी अंग समान तभी हो सकता है जब सेप भी समान होगा और समरूप, समरूप का मतलब रूप समान होगा, देखने में तो सेम लगेगा लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, बोलो yes, अच्छा जैसे बेटा इधर देखो, ये बात समझ में आया? yes, बोलो yes, इसको मैं मिटा दूं? yes, चलो ठीक है, देखो देखो बेटा, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, चलो बात नहीं, मैं कुछ और एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, और अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है। जैसे आओ दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, देखो यहाँ मैंने क्या किया कि दो सर्कल बनाया, सर्कल, अरे सर्कल जाना लगा होला ने, गोला नहीं बेवकूफ, गोला दूसरी चीज होता है, गोला का इंग्लिश होता है स्फेयर, गोला का इंग्लिश क्या होता है? जो बॉल होता है, बॉल फुटबॉल ये सब गोला है, ये सब स्फीयर है, सर्कल 2D फिगर होता है, 2D टू डायमेंशनल फिगर होता है, अरे बोलो ना। जैसे आप क्वाइन देखो, क्वाइन सिक्का, वो क्या है बताओ? सर्कल है। मैंने दो सर्कल बनाया और इन दोनों का रेडियस सेम लिया, रेडियस माने त्रिज्या, इसको भी मैंने मान लिया कि इसकी रेडियस मान लिया 5 सेंटीमीटर है और इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अरे बोलो बच्चों समझ में आया? इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो बताओ जो आपका सर्कल बनेगा, जो आपका वृत्त बनेगा, वो उसका साइज सेम होगा कि छोटा बड़ा होगा? तो बेटा इसका मतलब ये जो आपका सर्कल फर्स्ट है और ये जो सर्कल सेकंड है, ये दोनों क्या है बताओ? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन मान लीजिए हम यहाँ दो सर्कल बनाए, एक सर्कल बड़ा बना दिया और एक सर्कल छोटा बना दिया, अरे बोलो ये 5 सेंटीमीटर रख दिया और इसका रेडियस मैंने क्या रख दिया? तो बताओ ये दोनों क्या हो गए बताओ? सिमिलर। क्या है बताओ? सिमिलर। कुछ बात आपको समझ में आया? अब कॉन्क्लूजन याद रखो, बहुत सी चीजें ऐसा एग्जांपल दे सकता हूं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कॉन्क्लूजन याद रखो,
ये सब नोट कर लोगे घर पे जाके तुम लोग ना, ये सब बनाना, अच्छे से बनाना, ऐसे ऐसे बनाना, ऐसे लिख के कॉन्ग्रुएंट फिगर, ये ऐसे हिंदी भी लिख लेना, इसको तोड़ तोड़ के कैसे सर बताए हैं ऐसे लिख लेना, क्या है तुम लोग को समझना है यार चीज़ों को। क्या हुआ बोलो ना, तुम लोग को समझना है बेटा, ऐसा नहीं ना कि तुम लोग को मतलब अच्छा नहीं लग रहा, नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो, तुम लोग को समझना अच्छे से, इधर देखो बेटा, आप लोग को कंक्लूजन क्या याद रखना है कि अगर फिगर कॉन्ग्रेंट हो, क्या हो, तो आपके दो चीज सेम होना चाहिए, एक शेप, दूसरा साइज। बोलो yes, और अगर फिगर सिमिलर हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, शेप। साइज सेम हो भी सकता है और नहीं। अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आप लोग आंसर देंगे। बोलो क्या? चलो देखो, मैं क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, क्या हुआ, देखो देखो बेटा क्या है, देखो मान लीजिए हमने दो सर्कल बनाया। प्रश्न देखो अब मेरा क्या है, मैंने दो सर्कल बनाया, एक का रेडियस मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया, दूसरे का रेडियस मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया। अब हमको पहला क्वेश्चन बताओ, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है? दूसरा बताओ, ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं? नहीं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं लेकिन ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पूछो क्यों, सुन लो, मैंने कहा था, इसको जगाओ, इसको नींद आ रहा है, हाँ थका है बेचारा, पढ़ने गया था ना, थक गया पूरा आज, जैसा जब 2 महीना बाद स्कूल खुला लाना तो नींद आवे लगा। सुनो मैंने, सुनो इधर देखो बेटा, मैंने कहा था कि यार कॉन्ग्रेंट के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। अब बताओ बेटा, इन दोनों का शेप क्या है? सेम है, सर्कुलर। yes, अरे बोलो यार। yes, sir. और इन दोनों का रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। yes, तो गारंटी है साइज भी सेम आएगा। yes, sir. जैसे दो सिक्का ले लो, क्वाइन yes. 10-10 का, बोलो yes, sir. सेम साइज के होंगे। yes, sir. तो इसलिए ये कॉन्ग्रेंट तो हो गया, लेकिन सिमिलर का मैंने क्या शर्त बताया था? मैंने बोला था शेप जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन इन्हें ना बोला था कि मतलब क्या बोला, साइज सेम नहीं होना चाहिए। अरे बोलो यार। yes, sir. मैंने बोला था शेप जो है वो सेम होना चाहिए, बताओ शेप इनका सेम है कि नहीं है? yes, sir. तो यार सिमिलर भी है, सिमिलर भी है। yes. हमको शेप से लेना देना? सॉरी 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 यार, मुझे साइज से लेना देना नहीं। मुझे सिमिलर में साइज से लेना देना नहीं है, हमको केवल शेप से लेना देना है, ठीक है। तो ये अपन लोगों का मतलब मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। आइए इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एक और मतलब ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ समझाने के लिए, मान लीजिए ये मैंने लिया सर्कल, बात नहीं, ये मैंने ले लिया आपका 8 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया आपका 2 सेंटीमीटर। अब बताओ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? पहला बताओ, पहले इनकी हम कॉन्ग्रुएंट की बातें कर लें, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सर, कॉन्ग्रुएंट में कितने कंडीशन? दो। पहला क्या? सेप। सेप क्या सेम है? हाँ हाँ, सेप इनका सेम है, ये भी सर्कुलर है और लेकिन क्या इनका साइज सेम है? दोनों कंडीशन आना चाहिए ना। yes, तो शेप तो बेटा सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आइए बात दूसरे कंडीशन की, सॉरी आइए बात सिमिलरिटी की करते हैं। बोलो yes, बच्चों, आइए सिमिलरिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। इनका शेप बताओ, शेप कैसा है? सेम है, सर्कुलर है। और इनकी साइज? क्या हमको साइज से लेना देना होता है सिमिलरिटी में? केवल शेप से लेना देना होता है ना, इसलिए सिमिलर हैं। बोलो बेटा। yes, अच्छा चलो, एक 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 और मैं मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ये एक ट्रायंगल ले लिया और एक मैंने सर्कल ले लिया। ये लो भैया, ये अपन लोगों का मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर।
बताओ, पहला चीज बताओ, क्या ये कॉन्ग्रेंट है? हाँ, वो कौन कौन में बोला? यस सर। क्या ये कॉन्ग्रेंट है? क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं है? इनका शेप ही सेम नहीं है। क्या ये सिमिलर है? बोलो सर, ये सिमिलर भी नहीं है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बेटा अब एक नोट जानो, बोलो क्या? देखो मैं एक नोट लिख रहा हूं, इस चीज को आपको बहुत अच्छे समझना है, इस चीज को नोट, ये नोट बहुत काम करेगा। अगर देखो बेटा, फिगर कॉन्ग्रंट है तो अब फिगर सिमिलर भी हो जा रहा है, क्योंकि कॉन्ग्रंट है तो सेप तो 100% सेम होगा। अरे बोलो यार। लेकिन अगर सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या कोई जरूरी है कि वो कॉन्ग्रंट हो? हो भी सकता है और नहीं। अरे बोलो यार। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे कि यदि, क्या बेटा, दो फिगर्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, यदि दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो, क्या हो बताओ? क्या होगा स्पेलिंग कॉन्ग्रेंट का? CONGRUENT, ठीक है ना? इधर देखो, यदि दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो तो वह सिमिलर होंगे। बोलो बच्चों, तो वह सिमिलर होंगे, किंतु किंतु सिमिलर हो तो यह कोई आवश्यक नहीं। कॉन्ग्रेंट हो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, अगर बेटा कॉन्ग्रेंट होंगे तो सिमिलर होंगे, बोलो। Yes, लेकिन अगर सिमिलर हो तो क्या कोई जरूरी है कि वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? Yes, किन लोगों को समझ में आ गया भाई ये बात? आ गया? Yes, एक बात बताओ, बोलो क्या? Yes, ये दोनों हाथ बताओ मेरे कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है? सिमिलर हैं कि नहीं? Yes, सर कॉन्ग्रंट हैं तो सिमिलर होंगे, बोलो। Yes, हमारा और इनका जब कुछ देर पहले राइट हैंड निकाला गया था तो कॉन्ग्रंट तो थे, सॉरी सिमिलर तो थे, लेकिन क्या कॉन्ग्रंट थे? Yes, बेटा कितने लोग को समझ में आएगा कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी? आ गया तो ठीक है बच्चों, बोलो बच्चों। Yes, तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है ना? फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा। Yes,